तो बॉलीवुड के गानों पर थिरकते थिरकते धक्का मुक्की पर उतर आए आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता और कार्यकर्ता। अब खबर यह है कि दोनों को ही बुला लिया गया है। आप दफ्तर राखी बिरला और ऋतुराज जो कि किराड़ी से एमएलए हैं, इन दोनों को ही बुला लिया गया है पार्टी दफ्तर। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर जवाब तलब। तो बर्थडे पार्टी से सीधे दफ्तर के लिए अब तलब। सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड पे के गानों पर थिरकते थिरकते हालात ऐसे क्यों बन गए कि धक्का मुक्की और मारपीट पर मामला पहुंच गया। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे इस पर क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। नहीं देखिए, पूरे मसले को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हकीकत से दूर हट के इस तरह की खबरों को फैलाना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी की पत्रकारिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस गाड़ी को आप रिफर कर रहे हैं वो गाड़ी राखी की नहीं है। हमारे पास गाड़ी के पेपर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाड़ी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, अखिल प्रताप जिनका नाम है, उनकी गाड़ी है। उनके नाम से इंश्योरेंस पेपर्स हैं, उनकी उनके नाम से सारे गाड़ी के कागजात हैं। ये उनकी गाड़ी है। ताजमहल के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाने से ताजमहल आपका नहीं हो जाता, वैसे ही गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने से गाड़ी किसी की नहीं हो जाती। तो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, ठीक ठाक तरीके से एक बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था और उसमें इस तरह से खबरों को बनाने की कोशिश करना हमें लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है।